नमस्कार, कांटेल की आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। शाम के ठीक 7:30 बज रहे हैं, हम आपके सामने। वैसे हमने वीडियो न्यूज के लिए हमारा डिजिटल स्टूडियो भी खोल दिया है जैसा कि आपको पता है, परंतु जनता की डिमांड है कि बुलेटिन न्यूज गांधी चौराहे से आना चाहिए और हमारे केंद्र में हमेशा पाठक रहे हैं, इसलिए आज का बुलेटिन गांधी चौराहे से। प्रतापगढ़ में रीट भर्ती परीक्षा को लेकर सेंटर तक पहुंचने के लिए रोडवेज बसें उपलब्ध नहीं होने से गुस्साए परीक्षार्थियों ने बस स्टैंड पर हंगामा किया है। इन्होंने कहा कि सरकार परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क यात्रा के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर परीक्षा देने के लिए बसें ही नहीं मिल रही है। दरअसल प्रतापगढ़ में इन परीक्षार्थियों को कोटा परीक्षा देने जाना था, परंतु बसें नहीं मिलने पर तपती दोपहरी में इन्होंने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया है और हंगामा किया है। इसके बाद में पुलिस और रोडवेज के कर्मचारी पहुंचे हैं और समझाइश के बाद इन लोगों को मारा गया है। धनबाद में कोर्ट परिसर में मुख्य मार्ग पर अधिवक्ताओं ने सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है और रोड जाम किया है। शिवरात्रि मेले में रोकने वाला जी सेवा समिति को सम्मान दिया गया है। गहलोत सरकार की नाकामियों सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने को लेकर भाजपा की प्रेस वार्ता कल होगी, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और जिलाध्यक्ष गोपाल कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रतापगढ़ शहर के मानपुरा में रोकने हनुमान जी मंदिर रोड पर मुख्य मार्ग पर बिजली के तार झूलने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह एक ट्रक बिजली के तारों से टच हो गया, जिसके चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और बाद में मार्ग को सुचारू किया गया है। वहीं शहर के मंसूर रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नीलगाय की मौत हुई है। यहाँ पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है और नीलगाय का अंतिम संस्कार करवाया गया है। ये थी जिले की आज की प्रमुख खबरें। जुड़े रही है हमारे साथ कांटेल की आवाज न्यूज बुलेटिन के साथ। कांटेल की आवाज डिजिटल चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।